राम मंदिर निर्माण के लिए वारकरी और मातंग समाज आया आगे, घर घर से करवा रहा निधि संकलन का काम। निर्माणाधीन श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस निधि संकलन अभियान चला रहे हैं। इसमें नवी मुंबई के तमाम संस्थाओं और समुदायों का भरपूर सहयोग मिलता दिख रहा है। आज ऐरोली, दीघा, कोपरखैने समेत कई स्थानों पर मातंग समाज और वारकरी समुदाय के सैकड़ों समाज सेवकों और धर्मानुयायियों ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान देने और समाज के अन्य लोगों से भी योगदान दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि श्री राम सबके, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग देना हमारा सौभाग्य है। मातंग और वारकरी समुदाय के वरिष्ठ जनों और नागरिकों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं वस्ये माख्यभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवाक्कुंभस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। रामाय राम भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। खलु श्रीरामचन्द्र भगवान् की जय। मेरी तो इसके बारे में राय है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे जगत में जितना भी हिंदू समाज है उस समाज के दो महापुरुष के मतलब दैवत के आदर्श है। एक पहला है भगवान श्री कृष्ण जिनको हम पूर्ण पुरुष मानते हैं, और दूसरा जो है ये हमारे राम जी की जो मर्यादा पुरुषोत्तम इनको कहा जाता है। सामाजिक धार्मिक हमारा जितना भी आदर्श है वो सब हम राम में देखते हैं। अभी हम तो हमारा तन मन धन जितना हमें जैसा आवश्यकता होगी वैसा हम करने को तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी आज की मन्नत नहीं है, ये कई साल की है। और इसके लिए हिंदू समाज ने और कई लोगों ने इसके पीछे बहुत से बलिदान भी दिए हैं। बीजेपी के जो आडवाणी जी है वहाँ से लेके आज तक ये सारा चल रहा है, और इतने प्रयासों के बावजूद आज ये तमन्ना हमारी पूरी हो रही है। इसलिए केवल मुझे ही नहीं तो पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतवर्ष, केवल हिंदू समाज ही नहीं तो जितने हमारे समाज है उनको भी एक तरह का आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है कि इतने दिनों की मांग हमारी पूरी हो रही है। या प्रसंगी मला बोलताना खूप आनंद होत आहे की 500 वर्षापासून हा जो संघर्ष चालू आहे की 1528 मुघल आक्रमकांनी आपल्या भारतीयांच्या मनामध्ये जी अस्मिता जपली होती राम मंदिराच्या ठिकाणी जाऊन त्या मीर बाकी या सेनापतीने तिथे मंदिर उद्ध्वस्त करून एक मस्जिद बांधलेली आहे, तेव्हापासून आमच्या भारतीयांच्या प्रत्येक भारतीयांच्या मनामध्ये एक वेगळी भावना निर्माण झाली होती। परंतु 9 नोव्हेंबर 2019 आमच्या भारतीयांच्या मनामध्ये एक सुवर्णकाळ म्हणून आपला नोंदला जाईल, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय देऊन राम जन्मभूमी ठिकाणी एक भव्य मंदिर व्हायला पाहिजे अशा पद्धतीने एक निर्णय दिला, आणि जो प्रत्येक भारतीयांच्या मनामध्ये एक सुखद अनुभव असा हा होता। प्रत्येक भारतीयांच्या मनामध्ये जी अस्मिता आहे त्या राम मंदिर
निर्माण करून त्याच्यामध्ये सर्वांना सहभागी होतावे यासाठी आपण जो श्रीरामचंद्रभूमी जो न्यास आम्ही स्थापन केलेला आहे त्या माध्यमातून आम्ही सर्व लिंगायत समाज त्याच्यामध्ये आम्ही सहभागी होऊ इच्छितो. त्याच्यामध्ये जे काही त्यांना आवश्यकता भासेल त्या ठिकाणी आम्ही तिथे येऊ. आत्तापर्यंतचा जो 500 वर्षापर्यंतचा जो संघर्ष आहे तो संघर्ष आता मिटलेला आहे. या निमित्ताने आम्ही शरण संकुलच्या वतीने आम्ही सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की आपण प्रेमाने या प्रसंगी आपण या भाग्याच्या प्रसंगी आपण एकत्र येऊ. सर्व समाजातल्या घटकांना एकत्र येऊन याच्यामध्ये आपण या ठिकाणी अयोध्या येथे भव्य मंदिर निर्माण करण्याच्या प्रसंगी आपण सर्वांनी सहकार्य करू. वो बहुत खुशी की बात है. ये जो है अपना ये मंदिर बनने का ये आदर्श पुरुषोत्तम है. मतलब मानव जीवन का बहुत महत्व है. उनका जीवन कैसा चला वो हिसाब से अपने को वो मंदिर बनने के बाद सभी मानव मतलब अपना जीवन में वैसा जीना है वैसा मतलब वैसा जीने का अपने को एक प्रेरित हो जाता है. और दूसरा उनका भाइयों से कैसा है माँ बाप से कैसा रहना है और दोस्तों से कैसा रहना है और राज्य कैसा पालन करना है पशु पक्षी से कैसा रहना है सभी से उनका जीवन चरित्र जीवन का विधान जो है वो हिसाब से उन्होंने जीवन जिया है वो हिसाब से अपने को सभी आज का मानव को बहुत ये आदर्श बन के जीना जरूरी है. ये मंदिर ये सबको ह्यूमन बीइंग को प्रेरित करने जैसा है. इसलिए ये मंदिर का निर्माण बहुत महान कार्य है. ये भारत के लिए नहीं पूरा वर्ल्ड के लिए है ये समझने का. सबके ईश्वर है राम मंजे दसवा अवतार राम भगवान है. राम तो भगवान है. राज्य का जन्म में राम राज्य हो गया वैसे ही भारत के लिए राम राज्य ही होना मांगता है. वही अपना उद्देश्य है. अयोध्या में राम मंदिर बड़ा मंदिर निर्माण होना चाहिए. राम तो सबके लिए हिंदुओं के खाली हिंदुओं के लिए नहीं सबके लिए राम थे. आदर्श व्यक्ति थे. वो राम राज्य ऐसे थे एक वचनीय और सत्यवान थे. वैसे ही राम राज्य होना जरूरी है. अभी भारत के लिए अयोध्या में राम बड़ा मंदिर होना जरूरी है. राम मंदिर बनाना जरूरी है. राम का नाम रहना उसका गुण उसका सत्यवान था वैसा ही एक वचनी वैसा ही रहने के लिए सब लोग को तो जरूरी है. राम मंदिर टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन दिस कंट्री. एंड सपोज इफ राम आइडियल्स वी आर फॉलोइंग एंड आवर लाइफ विल बी means is going to be big achievement in this world. See, whatever we do, we have to help other peoples. We are not come here to take birth for our own purpose. We have to help for other peoples, then only we can achieve whatever we want. It is my opinion. Ram sarvanche ahet. रामाचे सामाजिक समरसता खूप मोठी आहे. एकनिष्ठ होते सर्वनिष्ठ होते तत्वनिष्ठ होते त्यागी होते सर्व गुण संपन्न हुबेहूब प्रत्येकृती प्रत्येकाच्या मनात आहेत. कुणी हिंदू मुस्लिम ह्यांचे नाही हे सर्वांचे राम आहेत. ह्याच्यामध्ये सामाजिक समरसता आणि सामाजिक बांधिलकी जी रामानं आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे शिकवलेली आहे. तुम्ही रामाकडे कसे पाहता आज हिंदूचा देव म्हणून नका पाहू. हा राम हे रामाने आपल्याला समाज कसा बांधिलकी ठेवलेता येईल आणि राम राज्यामध्ये काय काय गोष्टी होत्या कशा गोष्टी होत्या ना आज राम मंदिराच्या निधीच्या संकलनातून राष्ट्र मंदिराकडे आपण जात आहोत. आणि हे रामाची जी राम मंदिराची जी भूमिका आज मांडलेली आज चालू झालेली आहे अभियान आणि ह्या अभियानामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं माझासुद्धा खारीचा वाटा राहणार आहे. जय श्रीराम. देखिए श्रीराम जी का जो अभी मंदिर बनने जा रहा है वो सिर्फ मंदिर नहीं एक राष्ट्र मंदिर है और एक धर्मनिरपेक्षता का एक प्रतीक है. अभी हम जो उनके मंदिर के लिए जो निधि संकलन कर रहे हैं ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके लिए थोड़ा हाथ भार लगाए मंदिर के लिए. तो इसलिए मैं मेरे जीवन का एक सुवर्ण अक्षर मानती हूँ मैं कि जो मैं निधि कलेक्शन करने जा रही हूँ मैं मेरे साथ और मेरी सखियों को सहेलियों को मैं निमंत्रित करना चाहती हूँ कि आओ हम सब मिलकर राष्ट्र मंदिर का निर्माण करें. हमारे राम हमारे हिंदुओं के भगवान हैं.
मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हमारा इतने लोग 2000 लोगों की उसमें जान गई जब मंदिर गिराया गया। हम सब लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि जो हमारे सामने ये मंदिर बन रहा है। हम लोग यथाशक्ति जितना भी हमसे हो सकता है हम सारी बहनें मिल के कार्य करना चाहते हैं और इसको सफल बनाना चाहते हैं। और मंदिर बन रहा है ये लेके इस बात को लेके हम सभी लोग बहुत ही हर्षित हैं। राजा राम थे, वो चाहते थे कि उनके बगल में ही जो राज्य था वो उनकी सहायता ले सकते थे, लेकिन वो सभी के साथ, वो नहीं कि एक लोग हैं वो बड़े हैं छोटे लोग हैं, वो सभी के साथ मिलजुल के जो है रावण से युद्ध किया और उन लोगों से प्रेम सद्भावना पूर्वक बनाए रखा। वो हमारे आशा आस्था के प्रेम के प्रतीक। इसीलिए आज हम लोग राम मंदिर के निर्माण के लिए कुछ थोड़ी थोड़ी जो है अपने सहायता को वहाँ प्रदान करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग की आस्था और विश्वास बना रहे। ऐसा राजा नहीं है, ऐसा राम के जैसा कोई पैदा ही नहीं होगा, लेकिन हम लोग सेवक लोग कुछ भी उनके लिए करना चाहते हैं, सब कुछ अर्पण है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था, सीता मैया को त्याग कर दिया, और क्या हम बताएं इसके आगे क्या कर सकते हैं। वो ऐसे मतलब हमारे राम श्री थे, हमारी भारत माता की भूमि के राम, राम जैसे पुरुष पैदा नहीं होगा पृथ्वी पर। अब भाई हम यहाँ से क्या मदद कर सकते हैं, निधि अपना जो अपने बचत गट से निकाल के जो कुछ है भेज देंगे, और तो माँ सबके दिल में हैं भगवान, मदद करें ना करें वो सबको देखते हैं, उनको हम नहीं देख पाते। बोलना चाहती हूँ कि वो एकजुट हो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए एकता की भावना रखे, और भगवान के प्रति जो उनका स्नेह भाव है जो उनसे बन सके वो मदद करें। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, हमसे जो भी बन पड़ता हम उनके लिए गिलहरी की तरह छोटा सा मदद कर सकते हैं। जो राम हैं है ना, भगवान के सातवें अवतार के रूप में अवतरित अयोध्या में जन्मभूमि है ना, विवादित कारणों से आज जो हमारे धर्म के प्रति जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे हमारा जो सनातन धर्म है वो और धन्य हो गया, और हम सबको मिलकर राम मंदिर की तरफ एक प्रेरणामय युक्ति से सबको प्रेरित करना चाहिए। धन जन और तन मन से सहयोग करके उस राम मंदिर को भव्य बनाने का एक निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। राम जैसे राज्य जैसा वो चाहते थे वैसे राज्य की स्थापना हो, इसीलिए हम सबको एकत्रित होकर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का हमारा परम कर्तव्य बनता है। और राम श्री राम प्रभु की अनुकंपा छत्र छाया हमारे सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्वाही कार्यवाहक कमलेश पटेल ने तमाम समुदायों द्वारा मिल रहे निर्माण निधि और सहयोग पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि चंदा नहीं है बल्कि राम मंदिर के रूप में निर्मित होने वाला भारत का राष्ट्र मंदिर है, जो विश्व भर के लिए सामाजिक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनेगा। कमलेश पटेल ने और क्या कुछ कहा, आइए वह भी सुनाते हैं। 500 साल के संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के फेवर में ऑर्डर दिया, और उसके बाद में माननीय पंत प्रधान जी ने भूमि पूजन किया, और आज इस देश को राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक अगर लाना है तो यही सबसे अच्छा एक मौका है जिसमें हम इस देश को संगठित कर सकते हैं, जिसकी अखंडता सदैव बनी रहे इसका ये प्रयास है। और घर घर से एक ईंट जानी चाहिए, इस देश के हर भारतवासी का ये मंदिर है, तो इसी बहाने इस मौके को कोई भी संगठन खोना नहीं चाहता है। आज इसी बहाने इस देश में जो हम कह सकते हैं जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, इसको तुरंत उसको ख़त्म करने का ये प्रयास है, और देश को अखंडता, देश में अखंडता पुनः लानी है, और राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर स्थापना करने का प्रयास है। इस देश के हर भारतवासी का ये मंदिर है, तो इसी बहाने इस मौके को कोई भी संगठन खोना नहीं चाहता है। आज इसी बहाने इस देश में जो हम कह सकते हैं जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, इसको
तुरंत उसको खत्म करने का ये प्रयास है। हम सभी जानते हैं कि हजारों वर्षों से हिंदू समाज खंडित था, देश विदेशों में बिखरा हुआ था, भारत में भी बिखरा हुआ था। तो ये एक प्रयास है कि पुनः हिंदू समाज संगठित हो और इस राष्ट्र को निर्माण करें। ये मौका मिला है हमारे देश को कि जो हिंदू समाज खंडित था उसे पूरा दुनिया में जो खंडित था उसे पुनः संगठित करने का ये मौका है, और इसीलिए इस देश को राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक ले जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया। पूर्वा एजेंसी सोनपाड़ा, हाउस कीपिंग और हाउस क्लीनिंग वस्तुओं के सबसे रियायती विक्रेता। यहां उपलब्ध हैं होलसेल और रिटेल में साफ सफाई और कीटाणु नाश करने वाली सभी वस्तुएं और साजो सामान, जैसे ब्रांडेड कंपनी के क्लीनिंग रसायन, सोप और डिटर्जेंट, डस्टबिन, छोटे बड़े मॉप्स और झाड़ू, किचन नैपकिन और फ्लोर डस्टर्स, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग की अनेक वस्तुएं, रोज उपयोग होने वाले अनेक उपकरण। अब पाएं 25% तक का स्पेशल डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी। घर हो या सोसाइटी, ऑफिस हो या दुकान, क्लीनिंग के लिए जरूरी है पूर्वा एजेंसी के सामान। आपका समाधान, यही हमारा फायदा। पूर्वा एजेंसी, सनपड़।